एक और लीगी रहनुमा नैब के रडार पर आ गया। जावेद लतीफ ने नैब को आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी के लिए दोबारा तलब कर लिया। जावेद लतीफ समेत 7 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। लीगी रहनुमा को नामुकम्मल रिकॉर्ड देने पर तलब किया गया है। लीगी रहनुमा का खाता नैब ने खोल दिया। मुस्लिम लीग नून के एमएनए जावेद लतीफ समेत 7 अफराद के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों की इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी के सिलसिले में दबंग नैब ने जावेद लतीफ को दोबारा तलब कर लिया। अनवर लतीफ, मुनव्वर लतीफ और अमजद लतीफ भी नैब के रूबरू पेश होंगे। नैब ने नोटिस जारी कर दिया। नैब की जानिब से लीगी एमएनए जावेद लतीफ को यकम जनवरी को दोबारा पेश होने की हिदायत की गई है। जावेद लतीफ को नामुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने पर दोबारा तलब किया गया। जावेद लतीफ ने अपने और अहले खाना के 7 अराकीन की जानिब से जवाब जमा कराया था। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह सनावर मंजूर ने दीगर दस्तावेजात साथ लाने को कहा है। सितंबर में जावेद लतीफ के खिलाफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की मुदयत में सोर्स रिपोर्ट की बुनियाद पर जमीनों पर कब्जे का मुकदमा दर्ज किया गया था। एफआईआर के मुताबिक जावेद लतीफ के डेरे की अराजी की जालसाजी में महकमे माल के पटवारी मलिक शब्बीर और मोहम्मद रशीद मुलव्वस थे। मोहम्मद रशीद ने मालिक न होते हुए भी 37.5 मरले की अराजी मियाँ बरादरान को बेच दी थी।